100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वर्क टू वर्क कंसेप्ट के नाते रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने एक सपना रचा था। उन्होंने कहा था कि वो देखना चाहते हैं 100 स्मार्ट सिटीज। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में उन्होंने औपचारिक तौर पे ये 100 स्मार्ट सिटीज की जो योजना है उसकी शुरुआत करी। कहा गया कि 2,00,000 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया जाएगा और भारत की 500 शहरों में 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा। कहा गया कि ये स्मार्ट सिटीज के 10 मापदंड होंगे, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, 24 घंटे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, कमाल की एजुकेशन, कमाल की हेल्थ सर्विसेज, एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन और इसके अलावा ई गवर्नेंस, इंटरनेट वगैरह, कमाल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वो सभी इंपॉर्टेंट विषय जो कि एक अच्छी सिटी बनाते हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। ये कुछ 8-10 इनके मापदंड थे जो इन स्मार्ट सिटीज में होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में इसकी स्थापना करी और कहा 5 साल के अंदर मुझे, इनफैक्ट 60 महीने दे दीजिए, मोदी जी का भाषण है, मुझे 60 महीने दे दीजिए और इसको मैं कर दूंगा। जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा। आज वो 60 महीने बीत गए हैं भाई, 5 साल हो गए हैं और मैं हमारे आदरणीय ऑनरेबल माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और ये गोबर भक्त, सॉरी अंधभक्तों से जानना चाहता हूं कि भारत में 100 छोड़िए, 30 छोड़िए, 20 छोड़िए, 10 स्मार्ट सिटीज मुझे दिखाइए जो बन गई हूं। मैं भी भारत में रहता हूं, आप लोग भी भाइयों भारत में रहते हैं, मुझे बताइए कितनी स्मार्ट सिटीज आपके आसपास बनी, 1, 2, 3 कितनी बनी बताएं। कहां गए ये 2,00,000 करोड़, क्या हुआ इसका? कोई पूछेगा इस सरकार से? मीडिया तो देखिए, गोदी मीडिया हो गई है, मोदी मीडिया हो गई है, बिक गई है, सवाल ही नहीं करते हैं। लेकिन हम तो सवाल करेंगे, कोई तो सवाल करेगा। इसमें कुछ आंकड़े मैंने निकाले, चाहे वो वायर के हों, चाहे प्रिंट के हों, चाहे क्विंट के हों, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड के हों और अन्य सोर्सेस से, ललन टॉप वगैरह के मैंने निकाले। और जो आंकड़े हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बताते हैं। थोड़ा सा वो आंकड़े आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, खुद देखें आप और जान लें कि कितना ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का स्मार्ट सिटीज का जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। वॉच फॉर योरसेल्फ। देखा आपने? तो कहने का मतलब मोटा मोटा 2,00,000 करोड़ गए पानी में, यानी गई भैंस पानी में। 100 स्मार्ट सिटीज, आप मुझे 50, 30, 20, 10 3 स्मार्ट सिटीज दिखा दीजिए। दिल्ली में हमारे पास कमाल की हेल्थ
ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एजुकेशन है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का किया हुआ है, ये स्मार्ट सिटी मिशन में नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब था कि इलाहाबाद में के गवर्नमेंट स्कूल्स और हेल्थ स्टैंडर्ड्स और पर्यावरण स्टैंडर्ड्स और 24 आवर्स बिजली और 24 आवर्स पानी और प्रोटेक्शन फॉर विमेन चिल्ड्रेन एल्डरली पहुंचना था, पहुंचा। वाराणसी में पहुंचा। क्या वाराणसी में आपको, काशी में आपको 24 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे पानी मिलता है? क्या वहां के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स सुपर हाई हैं? क्या वहां कमाल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला? लखनऊ में मिला क्या, जो राजधानी है यूपी की? मिला क्या? मिला क्या? नोएडा में आज जहां मैं रहता हूं, वीआईपी एरिया में रहता हूं, यहां भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट के लिए बिजली जाती है। स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, 100-2 लाख करोड़ देंगे स्मार्ट सिटीज के लिए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 5 साल हो गए हैं, उन्होंने 5 साल मांगे थे, कहा था 60 महीने दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा। किया किया, ठन ठन गोपाल, सब ठन ठन गोपाल। भारत की मोदी मीडिया, गोदी मीडिया तो बिकाऊ है, आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सवाल पूछना जरूरी है। आप पूछिए, आप पूछिए, इन अंधभक्तों से पूछिए, सरकार से पूछिए, गोदी मीडिया से पूछिए, कहां है स्मार्ट सिटी? मैं मोदी जी से पूछता हूं, मोदी जी बताइए, 3, 10, 20, 5 स्मार्ट सिटीज बताइए जहां ये 10 मापदंडों पे आप खरे साबित हो रहे हैं। 3 स्मार्ट सिटीज बताइए जहां आप 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, दिल्ली के लेवल का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, दिल्ली के लेवल का गवर्नमेंट में हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, जहां आपके पर्यावरण स्टैंडर्ड सुपर हाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली के लेवल का है, बताइए किया आपने? भाइयों, ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा। अगर आज भी मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इसी प्रकार मोदी सरकार की नाकामियों, जहां भ्रष्टाचार है, जहां गड़बड़ है, जहां जुमले हैं, जहां भी देश विरोधी बातें हो रही हैं, उसको उजागर करना चाहते हैं, चाहते हैं कि सत्य की बात हो, देश की बात हो, देश के जो अहम मुद्दे हैं उन पे बात हो, और जहां झूठ है वहां सत्य से उस झूठ को उजागर किया जाए, तो मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही। जय किसान और जय भारत।